हेलो नमस्कार जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज टी वी हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़, धनतेरस पर आप होने वाले हैं मालामाल। जी हां, आप सभी को मैं बताने वाला हूं, धनतेरस यानी कि 10 नवंबर से गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री की काफ़ी ज़्यादा ऐसी योजनाएं हैं जो कि आने वाले 10 नवंबर से लागू की जा रही है, जिससे काफ़ी ज़्यादा गरीब परिवार, जी हां, आने वाले 10 नवंबर से हो जाएंगे मालामाल। वहीं आप सभी को मैं बताऊँगा किस प्रकार से आपको लाखों रुपये मिलेंगे, वह LPG गैस सिलेंडर किस प्रकार से आपको घर बैठे फ्री दिया जा रहा है, महिलाओं को किस प्रकार 2000 रुपये महीने व गरीब परिवार को किस प्रकार अब पेट्रोल 15 रुपये सस्ता मिलेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करेंगे, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, अपने गांव, शहर, राज्य का नाम ज़रूर कमेंट करेंगे कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धनतेरस यानी कि 10 नवंबर को काफ़ी ज़्यादा ऐसी योजनाएं हैं जो कि लागू की जा रही है। और आप सभी जानते हैं भाई, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, मोदी सरकार लगातार चुनाव की तैयारी में भी जुटी हुई है। 3 दिसंबर को इनकी वोटिंग या रिजल्ट्स भी घोषित कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आयुष्मान भारत कार्ड की, तकरीबन करोड़ों लोगों को, जी हाँ, मोदी सरकार ने एक और सबसे बड़ा तोहफा देते हुए आने वाले 10 नवंबर से आयुष्मान भारत कार्ड 1 करोड़ और लोगों के जारी कर दिए जाएंगे। उसके साथ साथ आप 5 लाख की बजाय, जी हाँ, आप सभी को मैं बता दूँ, 5 लाख की बजाय अब मोदी सरकार आपको 7 लाख रुपये तक का इसमें इलाज देगी। 5 लाख रुपये तो आपको इलाज दे ही रही है, 2 लाख रुपये इसमें आपको अलग से खाने पीने के पैसे भी दिए जाएंगे। यानी कि खाने अगर आपकी कुछ दुर्घटना हो जाती है या फिर आप कुछ बीमारी से ग्रसित हैं तो भाई आपको अलग से खाने पीने के लिए अलग से पैसे दिए जाएंगे। जैसे हम बात करें बड़ी बीमारियों की, जैसे कैंसर अगर किसी मरीज के है तो उसको अलग से कैंसर के 3000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त फैसला भी मोदी सरकार का, इसकी काफ़ी ज़्यादा राज्यों में सराहनाएँ भी की जा रही है। आप सभी को मैं बता दूँ, अगली जो बड़ी खबर आ रही है बड़ी ही महत्वपूर्ण है, आने वाले 10 नवंबर से आपको पेट्रोल डीजल जो है वो सस्ता होता दिखाई देगा। जी हाँ, आप सभी को मैं बता दूं, मोदी सरकार तकरीबन 15 रुपए तक पेट्रोल डीजल पर कटौती कर सकती है। तकरीबन हम बात करें तो भाई 6 महीने हो चुकी हैं पेट्रोल डीजल के जो दाम है स्थिर बने हुए हैं, ना बढ़ रहे थे ना घट रहे थे, लगातार मोदी सरकार निशाने पर थी विपक्षी दलों के। और आप सभी को मैं बता दूं, तकरीबन 15 रुपये तक पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो घटाए जा सकते हैं और आप इसे दीपावली का, धनतेरस का तोहफा भी समझ सकते हैं। 10 नवंबर को पेट्रोल डीजल पर बहुत ही ज़बरदस्त फैसला होगा, इस पर बड़ी बैठक होना तय है भाई। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, अब गरीब परिवारों को 1 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में जारी किए जाएंगे आने वाले 10 नवंबर से। जिन गरीब परिवार को 100-100 गज के प्लॉट मिल चुके हैं, लगातार भाई आप सभी को मैं बता दूं, 3 महीने से 100-100 गज के जो प्लॉट है वो काटे जा रहे हैं। काफ़ी सारे राज्यों के गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 100-100 गज के जो प्लॉट है वो काटे जा रहे हैं। जिन परिवारों को 100-100 गज के जो प्लॉट है वो मिल चुके हैं, उनके बैंक अकाउंट में अब 1 लाख रुपये या फिर 1,20,000 रुपये तक की जो राशि वो जारी की जाएगी, ताकि आप उस प्लॉट मिले हुए में अपना मकान बना सके। जी हाँ, आप सभी को मैं बता दूँ, ये प्लॉट उन्हीं को दी गई है जिनके पास ना कोई घर था ना ही किसी प्रकार का कोई प्लॉट था, या घर था भी तो भाई कच्चा घर था। उनको ये जो प्लॉट है ये सरकार की तरफ से अलर्ट किए गए हैं और 100-100 गज के प्लॉट है ये दिए गए हैं। वही मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत से अभी भी परिवार रहे हुए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत, उनको ना प्लॉट मिले थे ना पैसा मिला था। उन सभी के लिए खुशखबरी भाई, आने वाले दीपावली के बाद आपके एक बार फिर से प्लॉट काटे जा रहे हैं और आपको प्लॉट मिलने के बाद तुरंत बाद से ही आपको 1 लाख या 1,20,000 रुपये आपको भी आपके बैंक अकाउंट में सीधे तौर पर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो भाई अब जिन्होंने पहले प्लॉट मिल चुके थे उनको पैसे मिलने वाले हैं, धनतेरस का उनको तोहफा दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, अब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए, जी हाँ, जिन्होंने शहरी के लिए आवेदन कर रखा था, इनकी शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर रखा था, उन सभी के लिए खुशखबरी है। आप सभी को बता दूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अब शहरों में 3 कमरों वाला जो फ्लैट है आपको मिलने वाला है और इनकी जो चाबियां हैं ये आपको कल से सौंपी जाएगी, यानी कि 10 नवंबर से सौंपने की तैयारी कर ली है मोदी सरकार ने। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको अभी भी घर नहीं मिल पाए थे। जी हाँ, आपको मैं बता दूं, मोदी सरकार अब शहरी आवास योजना के तहत 3-3 कमरों वाला जो घर है वो दे रही है। काफ़ी सारे राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर घर नहीं बना सकी थी भी मोदी सरकार, और उनको अब 2,60,000 रुपये जो है वो भी उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे भाई, उनका ना पैसा मिला
रहा था, ना उनको घर मिले थे। अब तकरीबन मोदी सरकार की हम बात करें तो भाई उनके कार्यकाल में अब तक 10 साल होने को है मोदी सरकार के, और तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा घर अब तक मोदी सरकार बांट चुकी है। और आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में भी मोदी सरकार तकरीबन 2 करोड़ और घर बांटने वाली है, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसके सर पर छत ना हो। भाई सभी को छत मिलेगी भाई सर पर, और चाहे आप ग्रामीण से हो चाहे शहरी से हो। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, अब महिलाओं को 2000 रुपये महिले उनके बैंक अकाउंट में सीधे तौर पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे 2000 रुपये प्रत्येक महीने पर। जी हाँ, रसोई के खर्चे के रूप में आपको 2000 रुपये मिलेंगे। काफ़ी सारे राज्य अभी भी आपको 1000 रुपये दे रहे हैं, जैसे लाडली बहना योजना के तहत प्रत्येक महीने में प्रत्येक महिला को 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। अब भाई सरकार क्या करने जा रही है, काफ़ी सारे राज्यों में एक नया नियम लागू करने जा रही है जिसमें आपको 2000 रुपये प्रति महीने मिलने वाले हैं। इसके ऊपर जल्द मोहर लगा दी जाएगी फाइनल, और आपके बैंक अकाउंट में सीधे तौर पर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। आप सभी को मैं बता दूं, प्रधानमंत्री लाडली बहना योजना के तहत आपको जो पैसा है ये आने वाले कुछ दिन बाद आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की जो घोषणा कर रखी पहले ही मोदी सरकार ने, वहाँ पर तो भाई आपको अब 1000 रुपये से 1500 रुपये फ़िलहाल कर दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, अब 2 LPG गैस सिलेंडर आपको किस प्रकार फ्री दिए जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, काफ़ी सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर भाई फ्री में LPG गैस सिलेंडर बांटने की जो प्रक्रिया है उसको अमल में लाया जा रहा है। उज्ज्वला 2.0 के तहत LPG गैस सिलेंडर फ्री बांटी जा रही है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास पहले ही LPG गैस सिलेंडर था और उज्ज्वला वाला था भाई, ठीक है, उनको भरवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। तो आपको मैं बता दूं, दीपावली का तोहफा आपको दिया गया है, और दीपावली पर आपको जो ये LPG गैस सिलेंडर है आप इसे फ्री रिफ़िल करवा सकते हैं। पहले आपको कहीं से भी एक बार पैसे ज़रूर पे करने होंगे, उसके बाद बैंक अकाउंट में आपके डाल दिए जाएंगे। आप उन पैसों को निकलवा करके जिनके पैसे आप लेके आए थे उन्हें वापस दे सकते हैं, यानी कि आपका जो सिलेंडर है LPG सिलेंडर है वो बिल्कुल फ्री में आपको मिलने वाला है। वही मैं आपको बता दूँ, ऐसे काफ़ी सादा परिवार हैं जो कि अभी LPG योजना के लिए आवेदन कर चुके हैं, यानी कि भी 15 दिन से आवेदन किया है, उनको ना LPG मिल पाई थी ना ही उन्हें अभी कनेक्शन मिल रहा था। उन सभी के लिए खुशखबरी है, तकरीबन भाई 75 लाख महिलाओं को ये जो कनेक्शन थी बांटे जाने थे अब 1 करोड़ कर दिए भाई, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी, 1 करोड़ महिलाओं को कनेक्शन बांटे जाने हैं, जिसमें से आप सभी को मैं बता दूँ अब अभी जो नई लिस्ट आने वाली है उस लिस्ट के मुताबिक आपको अब LPG गैस सिलेंडर 10 नवंबर से ही आपके घर पर डिलीवरी कर दी जाएंगे। जो जो महिलाएं रही हुई हैं उन सभी को मिल जाएंगे, और जिनको पहले मिल चुके हैं उनको नहीं मिलेंगे भाई। जिन्होंने फार्म दोबारा भर दिया है लेने के लिए उनको दोबारा नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने पहले उज्ज्वला कनेक्शन ले रखा है उनको नहीं मिलेगा, जो पहली बार उज्ज्वला कनेक्शन 2.0 के लिए आवेदन कर चुकी है उन्हीं महिला को ये जो फ़ायदा मिलने वाला है। आगे भी काफ़ी सारी योजनाएं आती रहेंगी, चाहे मोदी सरकार लेके आए चाहे राज्य सरकार लेके आए, जिसका लेना देना आपसे हो, जिससे आपका फायदा हो, सबसे पहले आपको जानकारी मिले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करें आप सभी का दिन शुभ रहे।